पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। 2,50,000 रुपए का इनामी बदन सिंह बद्दो कहां है कुछ नहीं पता, लेकिन उसके एक सहयोगी को बचाने के काले दाग जरूर संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता पर जा लगे। मुकुट महल के मालिक मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई नरेश कंसल ने यह आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन के साथ ही व्यापारी राजनीतिक में हलचल पैदा कर दी है कि मनोज गुप्ता को बचाने, होटल पर सील की कार्रवाई रोकने आदि की एवज में संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता को 10,00,000 रुपये दिए गए थे। यह धनराशि उन्होंने बतौर रिश्वत एसपी सिटी को देने के नाम पर ली थी। बाद में टुकड़ों में 7,50,000 रुपये तो लौटा दिए, 2,50,000 रुपये अभी भी बकाया हैं। वहीं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता का फर्स्ट बाइट से कहना था कि उनकी छवि खराब करने व उन्हें गिराने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आरोप का क्या है, किसी पर भी कुछ भी लगाया जा सकता है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि उन्होंने फरारी अवधि में मुकेश गुप्ता को बचाने की कोशिश की थी। अब जबकि आरोप से पुलिस प्रशासन भी संदेह के दायरे में आ गया, तो नरेश कंसल खुद को इधर कुआं उधर खाई की कहावत से घिरा पा रहे हैं। वह अब संभल कर कह रहे हैं कि नवीन गुप्ता ने एसपी सिटी के नाम पर पैसा लिया है, एसपी सिटी को दिया अथवा नहीं यह नवीन गुप्ता जाने। बता दें कि करीब 1.25 साल पहले यानी 28 मार्च को शराब तस्कर से कुख्यात बदमाश बना बदन सिंह बद्दो मुकुट महल से भाग गया था। गाजियाबाद पेशी पर आए मदन सिंह को वापस फतेहगढ़ ले जाना था, लेकिन पुलिस उसे मेरठ मुकुट महल होटल ले आई। यहां पुलिस को नशे में धुत कर बदन सिंह भाग गया था। पुलिस ने भानु प्रताप, लल्लू मक्कड़, डिपिन सूरी व सोनू सहगल आदि को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकेश गुप्ता ने अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे ले लिया था। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता से जुड़ा यह ताजा मामला अब मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद सामने लाया गया है। बदन सिंह बद्दो का दखल संयुक्त व्यापार संघ की राजनीति में भी पहले से ही रहा है। बताया जाता है कि धर्मवीर आनंद को भी बद्दो व्यापार संघ चुनाव लड़ा चुका है। आज फर्स्ट बाइट ने नरेश कंसल व नवीन गुप्ता दोनों से बात कर उनका पक्ष जाना। आइए पहले सुनते हैं नरेश कंसल को। हेलो, हेलो नरेश जी। हाँ जी, हाँ भाई साहब। हाँ, रवि शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आज आप अखबारों में छप रखा है उस आरोप के बारे में कि नवीन संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कुछ पैसे वैसे लिए और एसपी सिटी से मालिक किया। हाँ, इसमें ऐसा था जी, जब हमारे यहाँ से भाग गया था बदमाश और केस चालू हो गया था। हाँ, तो हमारे भैया तो अंडरग्राउंड थे। हाँ, लेकिन उनकी नवीन से टेलीफोन से बातचीत चल रही थी। अच्छा, टेलीफोन पर। अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम पैसे खर्च करते हो तो मैं तुम्हारा सब काम करा दूंगा, ना होटल सील हो दू और ना एफ आई आर लॉज हो दू ना कुछ हो दू, गिरफ्तारी हो दू जी। तो उनने बात करते करते वो 10,00,000 में मामला निपट गया जी। 10,00,000 कुछ बात हो। और छोटे भाई का टेलीफोन आया। मैं नवीन से ये कहा, मैं नवीन जी वो जो है देखो मैं फंसा हुआ हूँ और छोटा भाई है नहीं, अब वो बार बार मुझसे कह रहा है ऐसा ना हो, दो रुपए भी चले जा, रुपए भी चले जा और काम भी ना हो जी। मैंने ये कहा तो वो फिर वो पहली बात ठीक है, मैंने 7,00,000 देने की कोशिश करी, बोले नहीं 10 से कम ले लूं। छोटा भाई बोला तुम 10-2 लाख है बात करो, चलो दे दिए। अब हम पर पहले काम हो गए, हमारा होटल भी सेल हो गया, हम पे फाइव हो गई, सब चीज हो गई। आपने 10,00,000 तो आशीर्वाद से वो जो हाई कोर्ट का स्टे मिल गया। नहीं, आपने नवीन गुप्ता को 10,00,000 रुपए दिए। हाँ जी हाँ। तो ये पैसे कहाँ जाने थे आगे? ये इन्होंने एसपी सिटी के नाम से लिए हमसे, इन्होंने लिए, इन्होंने दिए नहीं दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो ये जाने। पर अगर रुपए देते तो हमारा काम होता, ना दिए तो मेरे हिसाब से रुपए वहां पहुंचा नहीं। अच्छा, अब एसपी साहब का कहना ये है कि तुमने हमें बदनाम कर दिया। बदनाम तो नवीन जी ने करा, हमने थोड़ी करा। एसपी सिटी का आपके पास फोन आया था, आपकी बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो जो उन्होंने पिटाई करी है ना छोटे भाई की। अच्छा, छोटे भाई की पिटाई करी है।
हाँ वो ये कह के करी है कि मुझे बदनाम किया। हाँ अच्छा, जब उन्होंने वहां बताई मेरी कचहरी में सब बात, हाँ तो मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा साले देखो रुपया भी 2.5 लाख फिर भी नहीं आया वापसी, 7.5 ही आया, ये कह के भाई अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और साला केस भी हो गया, जेल भी भेज दिया और फिरारी हो गई। तो नवीन गुप्ता जी ने आपके 7.5 लाख रुपए वापस किए हैं? 7.5, बाकी क्यों नहीं किया? ये कह के दिए कि भाई बात तो 1-1 लाख करके दे दिए थे, और ये कह के दिए कि भाई अब वो 2.5 लाख होने में तैयार है, तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे? नहीं, अब वो देना चाहते हैं? अब वो देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अब वो जबकि बात है, हाँ 3 महीने 5-6 महीने पड़ा नहीं जी, अब उन्होंने 2.5 लाख हम और 2 लाख 7.5 आ गए। वो जब से यूकेस खुंदक में बना हुआ था और उन्हें मौका मिल गया। नवीन गुप्ता ने अभी तक आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपए दिए हैं 10 लाख के अगेंस्ट। है 10 लाख के अगेंस्ट 7.5 लाख रुपए उन्होंने अभी तक आपके वापस कर दिए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2.5 लाख रुपए अभी भी नवीन गुप्ता के पास है आपका? हाँ जी हाँ जी। इस बारे में संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता से भी बात की गई, उनका यह कहना है। रवि शर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलो भाई सर। क्या नए एलिगेशन लग रहे हैं? इधर लोगों का काम क्या है, और कोई काम तो है नहीं, कैसे ना कैसे लपेटते रहो किसी ना किसी को। जो लोग वैसे नहीं पार कर पा रहे किसी तरीके से, दो टुकड़े करके भी नहीं कर पा रहे, वो सब मिलकर कोई ना कोई नई योजना लाते रहते हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रहे ना कि 10 लाख रुपए आपको दिए। किसी आरोप लगाने से क्या होता, हम तो कहते हैं जो जो जांच करने वाले लोग हैं वो जांच करते रहे, है ना, और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप तो लोगों का काम है लगाने का, ना हमारा कोई लेना है ना देना है, ना हमारा कोई मतलब है। वही एक बात ये भी बता रहे हैं कि जब ये फरारी काट रहे थे तो उस दौरान आपकी इनसे बातचीत होती रही है? किनसे? किनसे बातचीत? मुकेश गुप्ता से। मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती। वही कह रहे ना कि बिना बातचीत के तो पैसे नहीं गए होंगे कि जिस समय वो फरारी काट रहे थे। और मैंने कहा ना कि कोई कोई अपना किसी प्रकार का आरोप लगा, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। अगर कोई व्यापारी के नाते मंडप स्वामी के नाते कोई अगर मिलने आता है, या किसी के मंडप में कोई कार्यक्रम है वहाँ जाना हो सकता है, वो सड़क पे मिलना हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपनी चीज किस पे उतार रहा है ये तो उन्हें मालूम होंगे। और इतने समय तक क्यों छुप रहा? मेरा कहना इतने समय तक क्यों छुप रहे? 15-17-18 महीने हो गए, इतने समय तक क्यों छुप रहे? 7.5 साल हो चुका है फरारी हुआ। ये मुकेश तो यही थे, मुकेश कहाँ थे? यही थे, हाँ, लेकिन गिरफ्तारी पर ले रखा था ना उन्होंने। तो वो तो उनकी कानूनी लड़ाई है, वो लड़े हर आदमी को अपने बचाव के लिए रास्ता ढूंढना होता है, उन्होंने वो ढूंढा हुआ। लेकिन ये आरोप लगाना किसी पर गलत बात है। अब मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को 9 जुलाई की शाम 4 बजे उठाया गया और 11 जुलाई को जेल भेजा गया। इसे लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। होटल व आसपास के वो सीसी फुटेज भी लिए जा रहे हैं जिसमें मुकेश गुप्ता को बाहर बहाने से बुलाया गया और फिर गाड़ी में बैठाकर 9 जुलाई को पुलिस ले गई। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता अनु शर्मा का कहना है कि मुकेश गुप्ता को अवैध रूप में हिरासत में रखा गया और उनकी खुंदक में जमकर पिटाई की गई। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।